नमस्कार, मैं हूं नीरज। द गिविंग हेडलाइंस पर आपका स्वागत है। बीजेपी प्रत्याशी रीति पाठक पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, फोटो लगे घड़ी और कंबल मिले। जिले में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। विधानसभा प्रत्याशी सांसद रीति पाठक की फोटो लगी घड़ियां एक भाजपा नेता के घर से बरामद हुई हैं, जिससे हड़कंप मच गया। कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर एक निजी कॉलेज में छापामार कार्यवाही की गई है, जहां बड़ी संख्या में घड़ी और कंबल का भंडार निकलकर सामने आया है। ऐसे में प्रशासन ने आर्य कॉलेज के 4 कमरों को सीज कर दिया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन और एसटी की टीम ने 4 घंटे से अधिक वक्त तक कॉलेज के बंद कमरों के खुलने का इंतजार किया। जब जिम्मेदार कॉलेज प्रबंधन में बंद कमरों के तालों को खोलने में आनाकानी की, तो प्रशासन भी कार्रवाई करने में आनाकानी करने लगा। ऐसे में आधी रात को ही कांग्रेसी निजी कॉलेज के सामने धरने पर बैठ गए। कांग्रेसी नेताओं के धरने पर बैठते ही आनन फानन में पुलिस और एसटी की टीम ने 4 कमरों के तालों को सील कर दिया है। मौके पर मौजूद कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी सरकार के इशारे पर नाच रहा प्रशासन मामले में कार्रवाई करने में आनाकानी कर रहा है। वहीं जिम्मेदार पुलिस महकमा भी पकड़ी गई सामग्री को जब्त नहीं कर रहा है, बल्कि खानापूर्ति करने की जुगत में है। नायब तहसीलदार गोपत बनास ने बताया, जमोदी में एक भाजपा नेता के घर 56 घड़ियां बरामद की गई हैं, जिन्हें जब्त कर थाने में रखा गया है। वहीं एक निजी कॉलेज में भी कुछ घड़ियां और कंबल अवैध तरीके से रखा हुए हैं, लेकिन कमरे तालाबंद हैं। ऐसे में प्रशासन ने सभी 4 कमरों के तालों में छापड़ा लगाकर सील कर दिया है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जांच में जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद भी कॉलेज के बाहर कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। कांग्रेसी नेताओं की मांग है कि जो सामग्रियां अवैध तरीके से कमरों में भंडारण है, उसे प्रशासन जब्त करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। राघव चड्ढा को सस्पेंड कर सकते हैं राज्यसभा के चेयरमैन, जांचेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को सस्पेंड करने को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को नोटिस जारी किया है। फिलहाल अदालत ने मामले में सुनवाई 30 अक्टूबर तक टाल दी है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि वह इस मामले में कोर्ट का सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट में राघव चड्ढा की ओर से सीनियर वकील राजेश द्विवेदी पेश हुए। उन्होंने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है। क्या किसी सांसद का मामला जांच के लिए पेंडिंग हो तो इस दौरान उसे सस्पेंड करने का अधिकारी बनता है? सुप्रीम कोर्ट में राघव चड्ढा के वकील ने कहा कि क्या मामला अगर प्रिविलेज कमेटी को रेफर कर दिया जाए तो उस ग्राउंड पर सस्पेंशन जारी रह सकता है। क्या सांसद ने रूल 72 का उल्लंघन किया है? क्या रूल उल्लंघन के मामले में सांसद को सस्पेंड किया जा सकता है? क्या यह सस्पेंशन मनमाना नहीं है और आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में राघव चड्ढा की ओर से यह भी दलील दी गई कि सेलेक्ट कमेटी में सभी पार्टी के मेंबर होने चाहिए। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की दलील थी कि यह मामला प्रिविलेज का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि मॉनसून सेशन में सस्पेंड किया है, जो अभी तक जारी है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देकर याचिकाकर्ता ने कहा कि सेशन खत्म होने के बाद सस्पेंशन जारी नहीं रह सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आशीष शेलर बनाम महाराष्ट्र राज्य के केस का हवाला देकर कहा कि उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने MLA के सस्पेंशन को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सस्पेंशन सेशन से ज्यादा नहीं हो सकता। याचिकाकर्ता राघव चड्ढा ने दलील पेश करते हुए कहा गया है कि मॉनसून सेशन के आखिरी दिन सस्पेंशन हुआ है, जो अभी भी जारी है। साथ ही दलील दी कि विरोधी नेताओं को चुनकर टारगेट किया जा रहा है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी शाह के दबदबे को शिवराज से मिल रही सीधी चुनौती। भारतीय जनता पार्टी में मोदी शाह का युग शुरू होने के बाद पिछले 10 साल में वाजपेयी आडवाणी युग के ज्यादातर सूबेदारों यानी प्रादेशिक क्षत्रपों को किनारे कर दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपवाद हैं। वे मोदी और शाह की पसंद न होते हुए भी पार्टी के लिए अपनी प्रासंगिकता और जरूरत बनाए हुए हैं। इस समय विधानसभा चुनाव के चलते भी उन्हें हाशिए डालने पर की कोशिशें आलाकमान की ओर से की गईं, लेकिन शिवराज ने बेहद चतुराई से ऐसे चुनौती भरे तेवर दिखाए कि आलाकमान को मजबूर होकर अपनी तलवार वापस म्यान में डालनी पड़ी। डीढ़ी 10 साल में यह पहला मौका है जब किसी क्षत्रप के आगे मोदी शाह को इस तरह झुकना पड़ी डिडेच रहा है।
दो महीने पहले 21 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल गए थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने मीडिया के समक्ष शिवराज सिंह सरकार के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया था। इसी कार्यक्रम के दौरान जब उनसे पूछा गया था कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, तो उन्होंने जवाब में जो कहा था उसके बाद से ही अटकलें लगाई जाने लगी थीं कि शिवराज सिंह चौहान का राजयोग अब समाप्ति की ओर है। अमित शाह ने कहा था, अभी तो शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं ही, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा यह तय करना पार्टी का काम है और पार्टी तय करेगी। अमित शाह का यह कथन इस बात का स्पष्ट संकेत था कि भाजपा अपने अब तक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान का विकल्प ढूंढ रही है। अमित शाह के इस बयान के बाद भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से लगातार संकेत दिए जाते रहे कि अब उनके दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन शिवराज सिंह ने हथियार नहीं डाले। चुनाव नजदीक आते ही उन्होंने गजब की हिम्मत दिखाई और अपने चुनौती भरे तेवरों से आलाकमान को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। पहले तो पार्टी आलाकमान ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी किसी को भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव अलग-अलग डिढ़ेगी। इसके बाद पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव के लिए 3 किश्तों में जिन 79 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, उनमें 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों और 1 पार्टी महासचिव का नाम तो था, लेकिन उनमें शिवराज सिंह का नाम नहीं था। इससे यह माना गया कि पार्टी उन्हें चुनाव नहीं लड़ाएगी। इतना ही नहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 3 बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आए और उन्होंने रैलियां की, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में शिवराज सिंह का नाम लेना दूर, उनकी ओर देखा तक नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने भाषणों में मध्य प्रदेश सरकार की किसी योजना या उपलब्धि का जिक्र भी नहीं किया और केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम पर ही लोगों से भाजपा के लिए वोट मांगे। इन सारी बातों को मीडिया में भी प्रमुखता से जगह मिली। इतना सब होने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने प्रदेश में अपने दौरे जारी रखे और अपनी आम सभाओं में खुद को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी सभाओं के जरिए बड़ी चतुराई से यह माहौल बनाना शुरू कर दिया कि 2024 में नरेंद्र मोदी 3री बार प्रधानमंत्री बनेंगे और उससे पहले मध्य प्रदेश में 1 बार फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने अपनी सभाओं में लोगों से नाटकीय अंदाज में सवाल किया कि शिवराज को फिर मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं। लोगों की ओर से जवाब आया कि बनना चाहिए। इस तरह शिवराज सिंह ने बड़ी हिम्मत और चतुराई के साथ शीर्ष नेतृत्व को संदेश दिया कि अगर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनना है तो शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में चुनाव बाद फिर मुख्यमंत्री बनाना होगा। उन्होंने एक जुमला उछाला है, मैं शिवराज हूं मैं। इसे वे हर जगह दोहरा रहे हैं। उन्होंने शहडोल की एक सभा में कहा, शहडोल के विकास की आवाज हूं मैं, शिवराज हूं मैं। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी सभा में कहा, महिला सशक्तिकरण की आवाज हूं मैं, शिवराज हूं मैं। फिर एक अन्य कार्यक्रम में उन्होंने कहा, मैं दिखने में भले ही दुबला पतला हूं लेकिन अलर्ट डहने में बहुत तेज हूं। भोपाल की एक सभा में उन्होंने कहा, मैं जनता का सेवक हूं, यदि मर भी जाऊंगा तो फीनिक्स पक्षी की तरह राख के ढेर में से फिर पैदा हो जाऊंगा। मध्य प्रदेश में भाजपा घोषित तौर मोदी के नाम पर चुनाव लद्दी डीडीएच रही है और ऐसे में शिवराज सिंह का चुनौती भरे अंदाज में खुद का नाम जपना किस बात का संकेत है यह समझा जा सकता है। जाहिर है कि अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर शिवराज सिंह का नजरिया बदल गया है। कुछ दिनों पहले तक उन्हें लग रहा था कि आलाकमान की जय जयकार करने और उसके हिसाब से काम करने से कुर्सी पक्की होगी, लेकिन जब ऐसा होता नहीं दिखा और उल्टे सार्वजनिक तौर पर अपमानजनक व्यवहार हुआ तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने घी निकालने के लिए सीधी उंगली की बजाय टेढ़ी उंगली का इस्तेमाल शुरू किया। इस बीच विपक्षी पार्टियों ने जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे को लेकर ओबीसी का जो नैरेटिव बनाया उससे भी शिवराज सिंह को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि वे ओबीसी नेता हैं, जबकि कांग्रेस ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है जो कि पंजाबी खत्री हैं। भाजपा में मुख्यमंत्री पद के जो अन्य दावेदार हैं उनमें भी ज्यादातर अगड़ी जातियों के ही हैं। बहरहाल शिवराज सिंह ने जिस तरह के तेवर दिखाए और खुद को मुख्य नत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश करना शुरू किया उसे शीर्ष नेतृत्व ने गंभीरता से लिया। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के लिए पहली 3 सूचियों में घोषित किए गए
79 उम्मीदवारों के नामों से भी पार्टी में कई जगह से आई असंतोष और बगावत की खबरों से भी शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बना और उसे मजबूर होकर उम्मीदवारों की चौथी सूची में शिवराज सिंह का नाम भी शामिल करना पड़ा। इतना ही नहीं, उसने गुजरात की तर्ज पर बड़े पैमाने पर मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर नए उम्मीदवार उतारने का जो इरादा बनाया था वह भी छोड़ना पड़ा। उसने 57 उम्मीदवारों की जो चौथी सूची जारी की उसमें अधिकांश मंत्रियों और विधायकों को मौका दिया है। जिन विधायकों को दोबारा मौका दिया गया उनमें से ज्यादातर की पैरवी शिवराज सिंह ने की थी। फिलहाल शिवराज सिंह अपने चुनौतीपूर्ण तेवरों के साथ यह मैसेज भी बनवा रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश में भाजपा जीतती है तो वह शिवराज के चेहरे पर जनादेश होगा, जिसे चुनाव के बाद बदला नहीं जा सकेगा। विधानसभा चुनाव के लिए अपनी और अपने समर्थक विधायकों की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद वे जमीन पर भी एलईडी डहने के तेवर दिखा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पार्टी के अंदर भी लड्डी ढाई की तैयारी कर रहे हैं। वे लगातार यह मैसेज दे रहे हैं कि वे कहीं जाने वाले नहीं हैं। भले ही पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन वे अपने को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर ही पेश करते हुए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दरअसल वे ऐसी स्थिति बना देना चाहते हैं कि पार्टी आलाकमान को मजबूर होकर मध्य प्रदेश में उनका नेतृत्व स्वीकार करना पड़ी डे। जैसी हिम्मत और जैसे तेवर शिवराज सिंह चौहान ने दिखाए हैं वैसा भाजपा का कोई क्षत्रप नहीं कर सका है। राजस्थान में लग रहा था कि वसुंधरा राजे आसानी से हथियार नहीं डालेंगी, लेकिन थोड़े बहुत तेवर दिखाने के बाद फिलहाल वे एक तरह से समर्पण की मुद्रा में हैं। पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने से इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक आला नेताओं को नाराज करने जैसा कोई बयान नहीं दिया है। राजस्थान के लिए घोषित 41 उम्मीदवारों की पहली सूची में उनके कुछ बेहद करीबी नेताओं के टिकट कट गए हैं, लेकिन वे खामोश हैं। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह पिछले 5 साल से हाशिए पर हैं। हालांकि पार्टी ने चुनाव के मद्देनजर उन्हें कुछ तरजीह दी है और उन्हें विधानसभा के लिए उम्मीदवार भी बनाया है, लेकिन वे शायद ही इतनी हिम्मत जुटा सकें कि शिवराज सिंह की तरह चुनाव प्रचार के दौरान खुलकर कह सके कि वे मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ ही रहे हैं। वसुंधरा राजे और रमन सिंह भी शिवराज की तरह वाजपेयी आडवाणी दौर के ही क्षत्रप हैं, लेकिन उन पर काबू पाने में मोदी शाह कामयाब रहे हैं। इससे पहले कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को भी किनारे किया जा चुका है। हालांकि इसके लिए आलाकमान को खूब पसीना बहाना पड़ा था और येदियुरप्पा की कई शर्तें माननी पड़ी थीं। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस उम्मीदवारों के प्रचार के लिए मिजोरम पहुंचे राहुल गांधी। मिजोरम में 7 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए सोमवार से इस पूर्वोत्तर राज्य की यात्रा पर पहुंचे। मिजोरम कांग्रेस मीडिया प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लाल रेमरूता रेंथली ने बताया कि राहुल गांधी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर आइजोल पहुंचे। उन्होंने बताया कि गांधी चनमारी चौराहे से राजभवन तक लगभग 4 से 5 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और राज्यपाल के आवास के नजदीक एक रैली को संबोधित करेंगे। गांधी शाम को छात्रों से भी बातचीत करेंगे। रेंथली ने कहा बताया कि मंगलवार को गांधी पार्टी नेताओं से मिलेंगे और आइजोल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वह राज्य के दक्षिणी भाग में लुंगलेई शहर का भी दौरा करेंगे और वहां एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि गांधी मंगलवार को लुंगलेई से हेलीकॉप्टर से अगरतला होते हुए दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आइजोल में पदयात्रा की। इस दौरान लोगों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। उन्होंने चनमारी चौराहे से पदयात्रा शुरू की और पार्टी का झंडे लहराते कांग्रेस समर्थकों के साथ वह शहर की घुमावदार सड़कों से गुजरे। उन्होंने पदयात्रा के दौरान सड़क के दोनों ओर मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कांग्रेस नेता ने उनसे मिलने के लिए आए लोगों से हाथ मिलाया और बातचीत की। कुछ लोगों ने कांग्रेस नेता के साथ सेल्फी भी ली। पदयात्रा के दौरान पारंपरिक नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। आपको बता दें, मिजोरम विधानसभा के लिए चुनाव 7 नवंबर को एक ही चरण में होंगे और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। मतगणना वाले दिन रविवार है और यह ई आई समुदाय के लिए एक पवित्र दिन है। ऐसे में राजनीतिक दलों, चर्चों, नागरिक समाज संगठनों और छात्र संगठनों ने भारत निर्वाचन आयोग ECI से मतगणना की तारीख
पुनर्निर्धारित करने का आग्रह किया है। मिजोरम ईसाई बहुल राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की आबादी में लगभग 87% ईसाई हैं। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट MNF और मुख्य विपक्षी दल जोराम पीपुल्स मूवमेंट ZPM ने पहले ही सभी 40 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने बताया कि वह भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और राहुल की यात्रा के दौरान उम्मीदवारों की सूची जारी किए जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने कहा कि वह अगले 2 से 3 दिनों में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। करीब 50 दिन से धरने पर बैठी दलित शिक्षक ने कहा, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में आर्ट फैकल्टी के गेट के बाहर अगस्त के आखिरी हफ्ते से चल रहे दलित एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ रतु सिंह के धरने को करीब 50 दिन होने को आए। देर शाम हम उनके धरने में एक बार फिर पहुंचे। तमाम लोगों की भीड़ में कुछ चेहरे अपनी तरफ ध्यान खींच रहे थे। माइक पर बारी बारी से लोग आ रहे थे और डॉ रतु के समर्थन में अपनी बात रख रहे थे। लोग बता रहे थे कि पूरे देश में 2023 में भी दलितों को क्या कुछ झेलना पड़ रहा है। बहुत ही कम रोशनी में हमारा ध्यान गया उन चेहरों पर जो बहुत ही ध्यान से हर किसी की बात सुन रहे थे। अपनी समझ के मुताबिक जब उन्हें सही लग रहा था तो वे ताली भी बजाते। चेहरे पर कोई भाव नहीं, दुबला पतला शरीर इस बात की चुगली कर रहा था कि पता नहीं इन लोगों ने आखिरी बार पेट भर पौष्टिक भोजन कब किया था। लोगों की भीड़ में बैठे लेकिन अपने हालात की कहानी बयां करते इन लोगों से हमने बात की तो पता चला वे दलित मजदूर हैं। बलबीर वर्मा बांदा यूपी से और लल्लू राम महोबा से इनके साथ एक 12-13 साल का लड़का भी था। ये तीनों डॉ रतु सिंह के प्रोटेस्ट में शामिल होने हर शाम अपनी बेलदारी मजदूरी का काम खत्म कर पहुंच जाते हैं। वे बताते हैं उन्हीं के जैसे करीब 20-25 लोग दलित मजदूर हैं और आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम में बेलदारी और मजदूरी का काम कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि उन्हें इस प्रोटेस्ट के बारे में कैसे पता चला तो वे बताते हैं कि हम तो काम करके आ रहे थे, इस बैनर को देखा जिस पर बाबा साहेब की तस्वीर थी तो हमें पता चल गया कि हमारे लोग हैं तो हम इसमें सम्मिलित हो गए। फिर उन्होंने डॉ रतु सिंह हमें सब बताया तो हमें पता चला कि ये हमारे समाज की लड़ाई है, धरना है। कभी जीवन में दिहाड़ी नहीं बढ़ सकती। दिल्ली शहर में कमाने आए बलबीर और लल्लू राम से बात करके हैरानी होती है। उन्होंने अपनी मजदूरी के बारे में बताया कि हमको 340 रुपये दिहाड़ी मिलती है, बीच के दलाल खाते हैं, हमें लाने वाला कोई ठेकेदार मान लो 10 रुपया कमीशन खाता है, बाकी के जो मुंशी हैं सुपरवाइजर हैं। तमाम लोगों से होते हुए हमारे हाथ में सिर्फ 340 रुपये दिहाड़ी आती है, मजबूरी में घर चलाते हैं। ये दिल्ली है, यहाँ हम किसी को पहचानते नहीं जो हमें लेकर आता है, तो हम जब उससे कहते हैं तो वो कहता है कि कभी जीवन एन दिहाड़ी नहीं बढ़ सकती, जबरन मजदूरी करवा लेते हैं और पैसे नहीं देते। बलबीर की ये बातें हैरान करने के साथ ही परेशान करने वाली भी हैं। इन दोनों से बात करके पता चला कि आज भी इन्हें गांव देहात में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लोग जबरन मजदूरी करवा लेते हैं और पैसे नहीं देते। उम्मीद लिए शहरों का रुख किया तो यहां भी सरकार के द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम में अपनी जिंदगी खपा रहे हैं। लेकिन इन सबके बावजूद जहां इन्हें बाबा साहेब आंबेडकर की तस्वीर और नीला झंडा दिखा लगा कि अपना समाज है और उसमें साथ देने पहुंच गए और रोज चाहे 2 लोग चाहे 10 डॉ, रतु सिंह के धरने में रात को पहुंच जाते हैं। नौकरी नहीं न्याय चाहिए, इससे पहले हम डॉ रतु के धरने के 5वें दिन उनसे मिलने पहुंचे थे। उस दिन के धरने और आज के धरने में बहुत अंतर आ चुका है। कभी तेज धूप तो कभी बारिश में अपने धरने को संभाल रही एक महिला एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर के मुताबिक अब उनका धरना एक आंदोलन में तब्दील हो गया है। वे साफ कहती हैं कि अब उन्हें नौकरी नहीं न्याय चाहिए। शुरू तुमने किया, अंत अंबेडकरवादी करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर रही डॉ रतु सिंह ने प्रिंसिपल डॉ सविता रॉय पर 2020 में जातिगत आधार पर उन्हें हटाने का आरोप लगाया था। तब से वे कानूनी लड़ाई लड़ रही थीं। अगस्त के आखिरी हफ्ते में जब वे धरने पर बैठी थीं तो उन्होंने दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल की बर्खास्तगी की मांग की थी। लेकिन उनका कहना है कि हमारी सुनवाई इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन हमारे हौसले पहले दिन की तरह आज भी बुलंद हैं और ऐसे ही रहेंगे। हम अब एक ही चीज पर चल रहे हैं कि शुरू तुमने किया,
अंत अंबेडकरवादी करेंगे। तुमने बेईमानी करी, अब इसे अंजाम तक हम लेकर जाएंगे। ये ऐसी लड़ाई हो रही है जिसमें लोगों को समझ में आ रहा है कि आज डॉ रतु है, कल को हम भी हो सकते हैं। तो आज हमने सच का साथ नहीं दिया तो कल कुछ भी हो सकता है। लगातार जारी धरने को समर्थन देने के लिए ना सिर्फ दिल्ली से बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी लोग पहुंच रहे हैं। प्रोफेसर धर्मपाल ने भी जब सोशल मीडिया पर डॉ रतु के बारे में देखा सुना तो दिल्ली पहुंच गए। प्रोफेसर धर्मपाल बुद्धिस्ट समाज से आते हैं। वे बताते हैं कि अब वो रिटायर हो चुके हैं। वो उस्मानिया विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के डीन रह चुके हैं, साथ ही हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष भी रहे उके हैं। वे कहते हैं कि मुझे सोशल मीडिया के द्वारा पता चला था कि डॉ रतु के साथ जातिगत भेदभाव हुआ है और उन्हीं के कॉलेज की प्रिंसिपल ने उनके साथ अन्याय किया है। ये बहुत शर्म की बात है कि आज भी हमारे देश में जातिवाद बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बल्कि मैं कहूंगा पहले से ज्यादा जातिवाद आज हमारे देश में हावी है। और आज भी देश में जिनको SC या ST कहा जाता है उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है। प्रोफेसर धर्मपाल मनुवाद और मनुस्मृति की कई बातों को कोट करते हुए कहते हैं, जो लोग मनुस्मृति को मानते हैं वो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते बल्कि संविधान का अपमान करते हैं, और पूरे देश में इन्होंने यही माहौल बना रखा है। वे आगे कहते हैं कि डॉ रतु सिंह को न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज को एक होकर मनुवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। इस धरने में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे कुछ लोगों से भी हमने बात की। करावल नगर से आए तारा भैया मिले। वे बताते हैं कि कैसे उन्हें इस धरने के बारे में पता चला और कैसे वो इस धरने के साथ जुड़ गए। जैसे ही हमें पता चला डॉ रतु अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं, तो हमने अपने एरिया में छोटी छोटी मीटिंग की कि समाज की बेटी वहां बैठी है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, और एक बहुत बड़ा समूह बना। और उस दिन से हम लगातार आ रहे हैं। जिस तरह से कॉलेजों में अन्याय बढ़ रहा है हम उसके खिलाफ हैं। यहां जो लोग रुकते हैं उनके लिए हम घर से खाना ले आते हैं। हम फिर से अपने इलाके में मीटिंग कर रहे हैं। जब भी डॉ रतु कहेंगी, जब दोबारा उनका प्रोटेस्ट मार्च निकलेगा तो हम समाज के लोगों के साथ पहुंचेंगे। डॉ रतु सिंह के इस संघर्ष को मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम की संस्था सहयोग कर रही है। सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा समेत कई सीनियर वकील उनकी इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि डॉ रतु सिंह की लड़ाई अब एक आंदोलन में तब्दील होती नजर आ रही है, जिस पर उनका कहना है कि ये लड़ाई आंदोलन में बदल गई है क्योंकि समाज को इस दर्द का, इस पीड़ा का एहसास हो गया है कि हमारी बच्ची जब सड़क पर बैठी है इतने दिनों से, ये दर्द हर उस माँ को महसूस होगा, हर बाप को लग रहा होगा, हर उस भाई और दादा को लग रहा होगा कि मेरी पोती सड़क पर बैठी है तो मुझे जाना है। 5 अक्टूबर को यहां जो जनसैलाब था वो इसी पीड़ा को दिखा रहा था। जब हमारी बच्ची जीते जी कह रही है कि मैं जातिगत भेदभाव का शिकार हूं, तो हमें पहुंचना है, ना कि हमें मोमबत्तियां ले अरे पहुंचना है, ना कि हमें झंडे लेकर मार्च करने जाना है। समरवीर के जीते जी किसी ने साथ नहीं दिया, मौत के बाद रैली निकाल रहे थे। इसके साथ ही डॉ रतु सिंह नाराजगी भरे लहजे में कहती हैं कि इस आंदोलन से कई छात्र संगठन और टीचर्स के संगठन भी एक्सपोज हुए हैं, क्योंकि जब रोहित वेमुला दुनिया से चले गए तो लोग झंडा और मोमबत्तियां लेकर आ गए थे। हिंदू कॉलेज के शिक्षक समरवीर का जब इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ तो सब आ गए, लेकिन जीते जी किसी ने उनका साथ नहीं दिया। परिवार का इकलौता कमाने वाला था। जिस दिन उनकी मौत हो गई उस दिन सारे रैली कर रहे थे, मोमबत्तियां जला रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। जो लोग ऐसा कर रहे वो अवसरवादी थे। अब हमारे समाज के लोगों की आंखें खुल गई हैं इस प्रदर्शन से। डॉ रतु सिंह कहती हैं कि शुरुआत मनुवादियों ने की थी खत्म आंबेडकरवादी करेंगे, और सत्य को जितना मजबूर करते हैं तो वो उतना मजबूत होता है, और ये आने वाले वक्त में दिखेगा। दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं होती। हमने डॉ रतु सिंह से जानने की कोशिश की, इतने दिनों से वो धरने पर बैठी है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? जिसके जवाब में रतु सिंह कहती हैं कि इतने दिन हो गए यूनिवर्सिटी ने रिएक्ट नहीं किया। इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। मैं जो फील कर रही हूं वो ये कि दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं होती। ये याद रखना, दलित की बेटी के लिए आंदोलन करने के लिए सिर्फ दलित आते हैं, दलित की बेटी के लिए जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठा नहीं होती। वे आरोप लगाते हुए आगे कहती हैं कि अगर सविता रॉय पर कार्रवाई होगी तो और भी कई नाम सामने आएंगे, इसलिए सब चुप हैं। वे और भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि मुझे चुप करवाने की कोशिश की गई, वॉशरूम जाते वक्त मुझे रोका गया, और जिसे हमने पकड़ा उसने खुद कई खुलासे किए।
उन सबूतों के आधार पर वीसी, प्रॉक्टर और यहां के सिक्योरिटी इंचार्ज पर एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है। हमने इन आरोप के बारे में प्रतिक्रिया लेने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर डॉ विकास गुप्ता से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन खबर लिखे जाने तक उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। कौन है डॉ? रतु सिंह। डॉ रतु सिंह एक दलित शिक्षक हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से पीएचडी पूरी करने के एक महीने बाद ही दौलत राम कॉलेज में एससी कैटेगरी में एडहॉक की वैकेंसी निकली, जिसमें उन्होंने आवेदन किया और ज्वाइनिंग होने पर वे असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाने लगी। अगस्त 2019 से अगस्त 2020 तक उन्होंने कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन 2020 में उन्हें कॉलेज से हटा दिया गया। रतु सिंह का आरोप है कि उन्हें जातिगत आधार पर हटाया गया और एक साल 2019 से 2020 जब उन्होंने कॉलेज में पढ़ाया था, उस दौरान भी कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ सविता रॉय ने उनके साथ जातिगत भेदभाव किया। हटाए जाने के विरोध में रतु सिंह ने उस वक्त कॉलेज के बाहर धरना दिया, जो 10 दिन से ज्यादा चला, लेकिन कोविड गाइडलाइन की वजह से उन्हें धरने से उठना पड़ा। तब से वे लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। ये मामले एसएससी कमीशन पहुंचा। कई गंभीर धाराओं के साथ मामला दर्ज हो चुका है, चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है। देश के नामी विश्वविद्यालय के बाहर बैठी एक दलित बेटी संघर्ष कर रही है और ये संघर्ष कब तक चलेगा कोई नहीं जानता, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी क्या इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।